पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अभय सिंह सोनू व विश्व हिंदू परिषद मऊ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप पांडे ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अभय सिंह सोनू ने टीएमसी सरकार को बर्खास्त कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। तो जो इस तरह जो किया जा रहा है ये आप देख सकते हो, तो उसी अत्याचार जो कार्रवाई की जा रही है, सरकार आंधी गुंगी बहरी जो बन करके बैठी हुई है, उस तो सरकार को हम बर्खास्त करने की मांग करते हैं राष्ट्रपति से, और इसीलिए हमने ज्ञापन दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी है, जब से चुनाव हुआ, चुनाव से पहले ही सुश्री ममता बनर्जी जी लगातार जो है संबोधनों में कहती रही कि अत्याचार अनाचार की बातें कहती रही, और जब से उनकी सरकार बनी वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता और जिहादी एक साथ मिलकर हमारे हिंदू जनमानस को बहुत ही क्षति पहुँचा रहे हैं। अत्याचार अनाचार व्यभिचार और बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएँ जो पश्चिम बंगाल में हुई हैं, उसके विरोध में आज हम अपने जिलाधिकारी महोदय के नाम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे जी, हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अभय सिंह सोनू जी, और यह पूरे प्रांत में हर जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में दिया जा रहा है। हम पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करते हुए वहाँ दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।